आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पेन इन प्रेगनेंसी। अगर कोई भी औरत प्रेग्नेंट है और उसके दांतों में दर्द होती है तो क्या वजूहात है जिनकी वजह से दांतों में दर्द होगी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से वो दांतों में दर्द जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मरहम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा नायाब है, मैं डेंटल सर्जन हूँ, मैं 6 साल से लाहौर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी में टूथ एक जो होता है, दांतों में जो दर्द होता है वो किन वजूहात की वजह से हो सकता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल करूँगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में उसका सही जवाब देंगे तो सही जवाब देने पर मरहम के थ्रू आपको मुझसे फ्री वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको हम ठीक करने के लिए कर सकते हैं? अब सबसे जो बड़ी वजह होती है उसमें ये होती है कि प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल लेवल है फीमेल्स का वो बढ़ने की वजह से, अगर आपको कोई मतलब ओरल हाइजीन आपकी ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होने की वजह से भी दांतों में दर्द हो सकती है, एक वजह। दूसरी वजह ये है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी खवातीन की कंप्लेन होती है कि हम ब्रशिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें गैग होता है, यानी कि मतली होती है, या वो अपनी ओरल हाइजीन उस तरह से मेंटेन नहीं रख पाती, या पहले कभी दांतों में कोई फिलिंग होने वाली थी या कुछ भी और उन्होंने उसको नहीं ठीक करवाया, दांतों में जो कीड़ा है वो ज़्यादा लग गया है और अब जो है वो पेन उसकी वजह से भी हो सकती है, मसूड़े ख़राब हैं, तो मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से दांतों में दर्द हो सकती है। अब यह है कि प्रेगनेंसी में क्या एहतियात और क्या चीज़ें आप करें जिनसे आप उस पेन को अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि प्रेगनेंसी में अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि वो मदर के साथ साथ उस बेबी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। अब यह है कि अपनी प्रॉपर ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करने के लिए आप, कुछ औरतों का ब्रशिंग के दौरान मतली होती है तो उसके लिए कि वो छोटे ब्रिस्टल्स यानी कि जो छोटे बच्चों के लिए टूथब्रश यूज़ किया जाता है वो टूथब्रश यूज़ करें, और वो बहुत पीछे तक यानी कि जो लास्ट 1/3 होता है वहाँ पे तालू पे पीछे या ज़बान पे पीछे जो है वो बेशक ब्रश को नहीं लगाएं क्योंकि उसकी वजह से भी मतली हो जाती है। उसके अलावा यह है कि ज़बान को अच्छी तरह से ब्रशिंग से साफ़ करें, उसके अलावा फ्लॉस करें, ये सारी चीज़ें करें ताकि उनके दांत ख़राब ना हो, उनके मसूड़े ख़राब ना हो और उनको इशू ना हो। फिर सबसे ज़्यादा औरतों में, प्रेग्नेंट वुमेंस में हार्मोनल लेवल बढ़ने की वजह से मसूड़े भी ख़राब हो जाते हैं, दांत भी ख़राब हो जाते हैं, तो ये है कि अपने प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट से भी प्रॉपर चेकअप करवाएं, अपनी ओरल हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन रखें ताकि वो इश्यूज ना आएँ। अच्छा, इसके अलावा ये है कि कुछ आप घर में, अगर आपको पेन हो जाती है और आप घर में कुछ एहतियात कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? एक तो ये कि आप जो सर है लेटते हुए सर अपना ऊंचा रख के सोएं ताकि ब्लड फ्लो कम जाए वहाँ पे और आपको पेन कम हो। दूसरा ये कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, तो गर्म पानी में नमक डाल के अच्छे से दांतों में रिंस करें, कुल्लियाँ करें, जिससे आपका पेन कम हो जाएगा। उसके अलावा आप कोल्ड कंप्रेशन भी दे सकते हैं, यानी कि ठंडी बर्फ़ की टिकोर भी वहाँ पे दे सकते हैं। अब ये है कि प्रेगनेंसी है और टूथेक है और दांतों का ट्रीटमेंट होने वाला है, तो अब कोई भी ट्रीटमेंट होना है यानी कि जिसमें आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, यानी कि रूट कैनाल है, एक्सट्रैक्शन है या डीप स्केलिंग करनी है, तो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आप सारी चीज़ें देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, उसके अलावा शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं और लास्ट 3 मंथ्स होते हैं वो सेफ़ नहीं है डेंटल प्रोसीजर्स के लिए, अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत स्वेयर इमरजेंसी, बहुत स्वेयर पेन नहीं है कि वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो उस कंडीशन में आप गायनाकोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशन लेके और वो डेंटिस्ट एक कम डोज में वो ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसके अलावा ये कि सेफ़ जो होता है वो 4th, 5th और 6th मंथ्स होते हैं, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत सेफ़ होता है जिसमें आप अपना कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपका कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट होने वाला है तो या तो आप उसको प्रेगनेंसी से पहले करवा लें या फिर आप 4th, 5th और 6th मंथ में करवाएं, जो कि सेफ़ है बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं रखते या आपका कोई भी ट्रीटमेंट होने वाला है प्रॉपर टाइम पे नहीं करवाते, तो आपकी ओरल हाइजीन ख़राब होने के साथ साथ आपका जो प्रेगनेंसी पे उसका इफेक्ट ये आएगा कि प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है या मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपनी ओरल हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और जो है जो भी ट्रीटमेंट होने वाला है वो टाइमली अपने डॉक्टर से और अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके फिर आप करवा सकते हैं। इस कंडीशन में आप जो मेडिसिन ले सकते हैं वो सिंपल प्लेन पैनाडॉल यानी कि एसिटामिनोफेन ले सकते हैं और उसके साथ ऑगमेंटिन भी, लेकिन
कोई भी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन आप नहीं ले सकते हैं। और प्रेगनेंसी में तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करें मेडिसिन लेने से पहले, जो आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करें आप वो लें, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन के बाद। मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि दिन में कितनी दफ़ा ब्रशिंग रिकमेंडेड है, कि दिन में कितनी दफ़ा आपको ब्रश करना चाहिए। इसका जवाब देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक पे आपका कोई सवाल है, आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कंसल्टेशन, तो आप marham.pk के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।